पूर्वी दिल्ली में तीन नगर निगम वार्डों के उपचुनाव में पड़े वोट। ईवीएम में कैद हुआ कुल 17 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। सीलमपुर चौहान बांगर में उठती दुखी, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, बिना मास्क दिखे प्रत्याशी और विधायक। जम्मू में कांग्रेस नेताओं की मीटिंग पर कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का बयान, कांग्रेस नेताओं को दिखानी चाहिए एकता, ऐसे नेताओं को मिले चुनावी जिम्मेदारी, बोले रमेश पंडित, सीनियर नेता सोच समझ कर दें बयान। शाहदरा झील इलाके के पास बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शुरू होने की खबर के बीच सीसीएन से बोले मेयर निर्मल जैन, तैयार है प्लांट, किया जा रहा है ट्रायल। और किसान आंदोलन को चलते हो गए 96 दिन, गाजीपुर बॉर्डर पर आवाज बुलंद कर रहे किसान, बदलते मौसम को देखते हुए धरना स्थल पर लग रहे पंखे और कूलर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली के तीन नगर निगम वार्डों के उपचुनाव के लिए आज सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ जो 5:30 बजे तक चला। आखिरी के घंटे में कोरोना संक्रमितों ने भी वोट डाले। पूर्वी दिल्ली की तीन सीटों पर कुल 17 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इसके रिजल्ट्स 3 मार्च को आएंगे। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तीनों पार्टियों ने कोविड-19 महामारी के बीच हो रहे इस चुनाव में अपनी अपनी जीत का भरोसा जताया। वहीं वोटिंग का जायजा लिया सीसीएन संवाददाता एहरार चौधरी ने। सीलमपुर में सुबह वोटिंग का परसेंटेज धीमा रहा और दोपहर बाद वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी। इस सीट पर कोरोना से बचाव को जारी की गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखी। वोटर्स से लेकर प्रत्याशी और विधायक भी बिना मास्क के नजर आए। आज तक हमने पूरे के पूरे कर्मचारी देखे नहीं, आज सफाई हो गई, एक हफ्ते बाद सफाई होगी। पानी की बड़ी समस्या है, पानी नहीं आता। दूसरा, एमसीडी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो यहाँ ठीक नहीं है। यानी अगर किसी के पास मास्क नहीं भी है तो यहाँ से यहाँ से मिल रहा है मास्क, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि लास्ट टाइम हम जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले 15 साल से 20 साल से इस एमसीडी में बीजेपी थी, लेकिन इस बार जो ज़रूरत है चेंजेस की है, क्योंकि युवा के लिए हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी भी अपनी हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हर बार युवा चाहती है कि हर किसी को एक बार चेंज करके देखा जाए कि वो क्या कर सकता है। और इस बार का जो मुद्दा है सबसे पहले है एजुकेशन। सुविधा की तो कोई चीज़ ही नहीं है अब। क्या लग रहा था कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। भीड़ कैसी है अंदर? भीड़ नॉर्मल है जैसी होती है। सैनिटाइजर है लेकिन वो डिस्टेंस वाली कोई बात नहीं है, वो खुद ही बिल्कुल चिपक चिपक के बैठे हुए हैं। कोरोना का पालन तो हो रहा है, दूर दूर लाइनें बना रखे हैं। महिलाओं को कोई परेशानी नहीं है। कोरोना का पालन हो रहा है, मास्क की व्यवस्था है, मास्क लगा के लोग जा रहे हैं, सैनिटाइजर की रखी हुई है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हम गांधी जी को तो मानते हैं, लेकिन हम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं, 1 के 10 देने की क्षमता रखते हैं। मुद्दे मेरा तो डेवलपमेंट था, सफाई था, एजुकेशन था, ये मरकज पे और उस पर पहुँच गए दंगे पे। 5 सीटें जीतेंगे, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं, भाजपा से है मैन। तो जो एमसीडी तीनों के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आया है, और आम जन ये जानता है कि अगर भाजपा को कोई उखाड़ के फेंक सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है या अरविंद केजरीवाल जी हैं। इस भ्रष्टाचार को कोई खत्म कर सकता है एमसीडी के तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो इसको लेकर के पूरी आवाम ने मन बना रखा है कि भाजपा के भ्रष्टाचार को जिस तरह दिल्ली से कांग्रेस का भ्रष्टाचार खत्म किया आम आदमी पार्टी ने, उसी तरह से जो तीनों है निगमों के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने के लिए ये सेमीफाइनल है। समर्थन बहुत बढ़िया मिल रहा है, जो कांग्रेस जी हैं ये चाह रहे हैं कि लड़ाई कर लो, तीनों का कि बार बार हार हो रही है, 3 दफे पहले हार चुके हैं और 4th दफे अब हारने को जा रहे हैं। हाँ, केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए अजीत चिराग बहुत सीधे सज्जन आदमी, 5 साल काम करा MLA रहकर, उनके काम की वजह से भी लोग बहुत ही ना पसंद कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि एक टेबल और 2 आदमी बैठ रहे होते हैं, तो वो साथ में सेंसिटाइज कर दिया जाता है और सब लोगों को इस बात से राउंड लेते हुए बतलाया गया है और सब लोगों ने उसी तरह से कोऑपरेट करते हुए उस अपना पालन किया है।
और अरेंजमेंट जिस हिसाब से आपने इधर गौर किया होगा कि पूरी तरह से इंटैक्ट है और पब्लिक का भी पूरी तरह से कोऑपरेशन है उस हिसाब से सब। वहीं कल्याणपुरी में वोटर्स में वोटिंग के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस भी अपने प्रदर्शन से लोगों को चौंका सकती है। इस सीट पर किन्नर समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। देखिए, हम यहां से जीत रहे हैं, बहुत अच्छे हिसाब से हम जीत रहे हैं। यहां से कल्याणपुरी वार्ड यहां से जीतेगा और चार वार्ड और हमारे हैं, वो भी जीतेंगे। आप देखिए कि हमारे साथ अभी डीपी मौर्य जी ने आपको बताया, और जहां तक मुद्दों की बात आती है तो त्रिलोकपुरी हो या कल्याणपुरी हो, यहां पर आपको विकास के मुद्दे तो बिल्कुल नादारद मिलेंगे। यहां पर ना तो कहीं विकास नज़र आता है, ना कहीं पर कोई जनता की सेवा में कैंडिडेट नज़र आते हैं, चाहे वो MLA हो चाहे पूर्व काउंसलर हो। यहाँ पर कूड़े के ढेर हर एक गली में नज़र आ रहे हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, और सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर जीरो के रूप में नज़र आती है। और इसी चीज़ों से परेशान होकर आज जनता, यही नहीं त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर जो ये 5 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भाई अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में वोट डालने जा रही है। वोटर के माथे पर नहीं लिखा कि उसने कहाँ वोट डालनी है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि धर्मपाल मौर्य की पत्नी ने 10 साल यहाँ निगम पार्षद रही हैं, उसने बहुत काम किया है और धर्मपाल मौर्य ने भी बहुत काम किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वोटर का रुझान धर्मपाल मौर्य की तरफ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ है। ये सेमीफाइनल चुनाव है और दिल्ली की जनता ने MCD से भाजपा को भगाने का मन बना लिया है। 2022 में भाजपा पूरी तरह से नगर निगम साफ हो जाएगी, और आज ये 5 सीटों के नतीजे जो अब आएंगे, जो वोटिंग आज हो रही है, हम देख रहे हैं जगह जगह जाके, कल्याणपुरी के अंदर में जगह जगह घूम रहा हूँ, लोगों में बहुत उत्साह है, एक उत्सव की तरह लोग इस वोटिंग को कर रहे हैं क्योंकि उनको भाजपा को भगाना है। पूरा पालन हो रहा है वहाँ पे, अंदर सैनिटाइज हुआ दोनों हाथ। जी, हाथ दिखाना सामने की तरफ दिखाइए, ये किस लिए दिया गया है? ये ताकि कोरोना ना फैले, कोरोना की सावधानी के लिए ये दिया गया है, ताकि आगे हमारे बाद जो वोट डालने वाला हो उसको कोई दिक्कत ना हो। ये मांगे हैं कि बस हमारी पेंशन लगे, हम अब ये ज़िंदगी भी जीना नहीं चाहती हैं बधाई की, और हमारी पेंशन लगे हमारी, और बस यही मांगती, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, और हमें भी सम्मान मिले। तो हमारे क्या नाम है वो बनना चाहिए, राशन कार्ड बनना चाहिए हमारी अलग से, और पेंशन मिलना चाहिए हमें, और हमारे लिए भी काम के लिए सोचे इंसान, है ना, क्योंकि लॉकडाउन में हम भी बहुत परेशान हैं। देखो, हमारे किन्नर समाज में भी अमीर से गरीब से सब कुछ है ना, जैसे हम तो गुजर बसर ऐसे लाल बत्ती हो गए और बस अड्डा हो गए, ये सब मांग के गुजारा कर रहे हैं, हमारे लिए भी सरकार सोचे, हम ये चाहते हैं। जनता पार्क देखो, यहाँ पे बदहाल है हालत, यहाँ कल्याणपुरी की 4 साल से निगम पार्षद ये झाड़ू कुलदीप कुमार जो विधायक बने हैं, ये निगम पार्षद थे, और अभी तक इन्हें करना था, कोई चुनाव प्रतिनिधि था नहीं यहाँ पे, तो विधायक बनने बाद भी यहाँ कोई काम नहीं किया इन्होंने, पार्क सूखे पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है, यहाँ पे नाली जो सीवर खराब है पड़ा है, और यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है, पीने पानी गंदा नहीं है, साफ नहीं है, गंदा है। तो केजरीवाल कहते फ्री पानी, बिजली का मीटर यहाँ पर मेन रोड पे जो बेचारे राजस्थान से लोहार पर बैठते हैं उनका मीटर काट दिया, क्यों काट दिया, चला बिजली बिल कैसे इनका इतना बेचारे गरीब आदमी का, बताओ। इसी के साथ त्रिलोकपुरी वार्ड में दिव्यांगों में वोटिंग के प्रति जुनून देखने को मिला। वोट देने आए एक दिव्यांग ने कहा कि वो बदलाव की राजनीति देखना चाहता है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी को इस उपचुनाव में आने वाले निगम चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देख रही है। हाँ, मतलब एक एक करके आओ, पीछे हटो, जब एक एक का ये हो जाएगा। माता जी, पता है इस पन्नी का क्यों पहनी गई, पहनाई गई ये पन्नी? हमें पर नहीं पता बेटा, इसलिए हमें, मैंने ये पूछा ये क्यों दे रहे हो, अपने एरिया में तो बेटा क्या सोच के दिया, हमने कुछ सोच के नहीं दिया, और जो सब लोग दे रहे हैं तो हमने भी अपना वोट क्यों मारे दिया। हमें केजरीवाल ने अच्छा काम करा है, स्कूल अच्छे बनाए, पहली बात तो बिजली का बिल फ्री करा, औरतों के लिए बस फ्री लगाई उन्होंने। सर, मैंने सोचा है कि अगर हमारे आसपास के जो नाले वगैरह हैं, सड़कें वगैरह हैं, ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, गेट्स वगैरह की सही है, मतलब सही है।
ठीक है। कितना वोट रहा दिन में आपने वोट डाला तो कितना वोट रहा होगा, लगभग भीड़ थी या नहीं? हाँ काफ़ी भीड़ थी। उपचुनाव के अंदर अमूमन देखा जाता है कि लोगों में कम उत्साह होता है, कम इंटरेस्ट होता है चुनाव को लेके, मतदान को लेके, लेकिन इस बार चीज़ें काफ़ी उलट दिख रही हैं कि लोगों में बड़ा उत्साह है, खासा उत्साह है। और ख़ास तौर से जो काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करके दिखाए हैं पिछले 5-6 सालों के अंदर, चाहे बात करें बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बुनियादी क्षेत्रों में शानदार काम हुए हैं, तो उनको देखते हुए आज अरविंद केजरीवाल के नाम का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, लोग अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट डाल रहे हैं। साथ ही साथ एक दूसरी वजह और है लोगों के घरों से बाहर निकलने की, कि लोग बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डालने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ ने जम्मू में इकट्ठे होने वाले कांग्रेस नेताओं को बागी कहने से इनकार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में खुलकर बगावत जैसा माहौल बन गया है। गुलाम नबी आजाद का समर्थन करने के लिए जम्मू में बागी नेताओं का जमावड़ा हुआ। इसको लेकर सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से बात कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को एकता दिखानी चाहिए और गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया जी को इन नेताओं को इलेक्शन से संबंधित जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। मैं ऐसे नेताओं को बागी नेता नहीं कहूंगा। वहीं एक और कांग्रेस नेता रमेश पंडित का कहना है कि जम्मू में हुई बैठक में कांग्रेस नेताओं ने जो बयान दिया ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता बागी तो नहीं है, पर सीनियर नेताओं को सोच समझ कर ही बयान देना चाहिए। हम कब कहते हैं बागी नेता है? कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस का काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तभी तो मजबूत होगी जब 5 स्टेट्स के अंदर चुनाव जीत कर आएंगे। तो सोनिया गांधी जी को तुरंत इनको कार्यभार देना चाहिए कि आप 5 स्टेट संभालो, अलग अलग नेता को, 2-2, 3-3 नेताओं को, 4-4 को, जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि बागी नेता है, ये बागी नेता नहीं है, कांग्रेस का काम करना चाहता है, करें। मेरी यही प्रार्थना इनसे कि कांग्रेस को एकजुट रखें, कांग्रेस की एकता को मजबूत करें, कांग्रेस को मजबूत करें, और कांग्रेस को मजबूत करेंगे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और फिर से 2024 के अंदर दिल्ली के अंदर सेंटर के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएगी। अगर कोई बात है आपस में बैठ के, घर में बैठ के उसकी सुलह करें, एक दूसरे पर कटाक्ष करें। अगर इस प्रकार से एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे तो कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। ये जितने भी नेता उस मंच पर थे उन नेताओं ने कांग्रेस के अंदर पिछले 40 से 45 साल तक राज किया है, और अगर वो आज कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उन नेताओं ने क्या किया था उस 40 45 साल के लिए, उनको ये जवाब देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहूँगा ये सभी नेता कहीं ना कहीं आने वाले जो 5-4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनके प्रभारी रह चुके हैं, इनको सबसे पहले उन 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस को जिताकर मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो आज लड़ाई लड़ते हुए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और इन 5 राज्यों के अंदर विजय प्राप्त करने जा रही है, उन परिस्थितियों में अगर इस तरह की बातें करती हैं तो वो बातें ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शाहदरा झील इलाके के पास बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अगले महीने से पूरी तरह फंक्शनिंग में आने की खबरें हैं। इस बीच प्लांट का जायजा लिया सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कंत ने। इसके साथ ही इस बारे में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन से खास बात भी की। इस दौरान मेयर निर्मल जैन ने कहा कि शाहदरा झील में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से झील में पानी भरा जाएगा। प्लांट तैयार है और इसका ट्रायल किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। एसटीपी प्लांट का सफल परीक्षण कर लिया गया है। परसों उसका एक्सपेरिमेंट जो परीक्षण करके और उसका पानी उन्होंने उसमें छोड़ दिया है। इसमें करीबन 25-30 लाख गैलन पानी इस अंदर झील में रहेगा एसटीपी प्लांट में, और इसमें पूरी तरीके से एसटीपी प्लांट से पानी छोड़ने का मतलब ये पूरी तरह से शुद्ध पानी है और किसी भी किस्म से उससे पॉल्यूशन या वो नहीं फैलेगा। और ये भारत सरकार की जो अमृत योजना है उसके अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। स्वयं जो जल मंत्री थे शेखावत जी वो आए थे, सांसद माननीय मनोज तिवारी जी इसमें स्वयं रुचि ले रहे हैं। लगभग 15 करोड़ की लागत से यह जो पहले वेलकम झील थी इसको अब शाहदरा झील का नाम के नाम से लोग पहचान जान रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी योजना पूर्वी दिल्ली नगर निगम की है और मैं ये तो नहीं कहता डेट 3rd हफ्ता होगा, लेकिन जल्द से जल्द हम इसकी कोशिश करके इसको हम इनॉग्रेट करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। माननीय सांसद जी और जो भी हमारे
भारत सरकार के मंत्री गण इसमें हमें जिनका समय मिलेगा उन सबको हम साथ। तो देख सकते हैं हम इस समय मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के वेलकम झील यानी कि शाहदरा झील जिसे कहा जाता है वहां पर, और यहां पर दिखाएंगे कि कार्य जो है वो प्रगति पर है। इस तरीके के बोर्ड्स जो है यहां पर लगे हैं और साथ ही साथ तस्वीरों में भी साफ साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो झील बनाने का काम है वो किस तरीके से चल रहा है। लगातार यहाँ पर काम चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले मार्च के जो तीसरा हफ्ता है उस दौरान इस झील का जो इनॉग्रेशन है वो कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये पर्यटकों के लिए जोर शोर से तैयार की जा रही है झील, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दूर दूर से पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर आ पाएंगे और इसको इस तरीके से जो है बनाया जा रहा है ताकि जो बाहर से लोग आए वो देखकर कहें कि हाँ पूर्वी दिल्ली में भी कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पर जाया जा सकता है, टाइम जो है स्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो ये जो झील बनाने का काम है वहाँ पर आपको बता दें जो पानी आना है वो एसटीपी प्लांट से लाया जाना है, तब इस झील को उस पानी से फिल किया जाएगा, उसकी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एसटीपी प्लांट जो है ना सिर्फ उससे झील में पानी भरा जाएगा बल्कि जो पौधों की पेड़ों की सिंचाई का काम है वो भी एसटीपी प्लांट के पानी से ही किया जाना है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ CCN। किसान आंदोलन को चलते हुए 96 दिन हो गए हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी दिल्ली की कई सीमाओं पर डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलनरत हैं और गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन की जिम्मेदारी संभाल रहे किसान नेता राकेश टिकैत देश के तमाम राज्यों में घूम घूम कर किसान महापंचायतें कर रहे हैं और आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक हमारी कानून वापसी समेत MSP की गारंटी का कानून बनाने की मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन स्थल पर बदलते मौसम को देखते हुए पंखे और कूलर लगाए जा रहे हैं। आंदोलन स्थल पर तमाम गांवों से किसान समर्थन देने को आते हैं, कुछ दिन बॉर्डर पर रुककर आवाज बुलंद करते हैं और उसके बाद घर जाकर खेती पर ध्यान देते हैं और उनकी जगह पर उसी गांव से और किसान आकर आंदोलन स्थल पर आवाज बुलंद करने में जुट जाते हैं। अभी जब जाडे थे आपने देखा होगा तो हम लोगों ने उसे जाडे से बचने का प्रबंध किया, लकड़ियों का प्रबंध किया, पानी के गर्म का प्रबंध किया और हवा का प्रबंध किया। बीच बीच में बारिश भी आई उसके लिए हमने वाटर प्रूफ पन्नी का प्रयोग किया। अब गर्मी आ रही है, भयंकर गर्मी है, तो हमें इसके लिए बचने के लिए हम लोगों ने घास जो हमारे नदियों के किनारे मिलती है, जंगल में मिलती है, बड़ी ठंडी होती है, उसकी चटाइयों का ऑर्डर दे दिया है। बढ़िया चटाइयाँ आएंगी और सारे हमारे टेंट उन चटाइयों से ढक दिए जाएंगे, बढ़िया ठंडक होगी। मंच के सामने भी बढ़िया वाटर प्रूफ पंडाल लगाया जाएगा। हमारे कंधों पर, किसान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश की 130 करोड़ जनता का पेट भरने की जिम्मेदारी है। हमें खेती भी जिम्मेदारी से करना है क्योंकि कोरोना काल में जब सारे उद्योग धंधे, सारे सिस्टम संस्थान बंद हो गए, सरकार भी बंद फेल हो गई, तब किसान का उद्योग फेल नहीं हुआ था। हम सारे लोग खेतों में काम कर रहे थे, रबी की फसल को निकाल करके आधे दामों में सरकार के द्वारा घोषित आधे दामों में सरकार को सौंप दिया और हमें फिर वही काम करना है। हमें देश की जनता भूखों न मरे तो हमें खेती भी करना है, आंदोलन भी चलाना है। इसलिए 10-10 दिन की शिफ्ट बना करके आंदोलन भी चलता रहेगा और खेती का काम भी चलता रहेगा, ये हमारा चलेगा। बढ़ती महंगाई के इस दौर में ऐसा कभी कभी ही होता है जब आम आदमी के लिए कोई अच्छी खबर आए। जी हाँ, फिलहाल आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है कि सब्जी मंडी में कई सब्जियों के कीमतों में गिरावट आई है। गाजीपुर सब्जी मंडी में इन दिनों प्याज 25 से 30 रुपए किलो, करेला 40 रुपए किलो और भिंडी क्वालिटी के हिसाब से 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। इस पर व्यापारियों का कहना है कि प्याज की नई फसल आने से इसके दाम कम हुए हैं। इसके अलावा करेले और भिंडी की सब्जी के बारे में व्यापारियों ने कंजम्पशन में कमी के कारण सेल कम होने से दाम कम होने की बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि अभी कई महीनों तक इन सब्जियों की कीमतों में गिरावट ही होती रहेगी। गाजीपुर सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आपको आज दिखाएंगे कि सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियों में गिरावट आई है या फिर उनमें इजाफा हुआ है। अगर बात करें, इस वक्त हम मौजूद हैं करेले की शॉप के बाहर पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर करेले भी हैं और साथ में भिंडी भी है, और इनमें क्या इजाफा हुआ है या गिरावट आई है और इसका क्या कारण रहा है, हमारे साथ कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने अब कोशिश करते हैं। जी भैया, यहाँ पर भैया हमारा पेरेंटल काम है, ये आड़त का काम ही है।
सर इनमें क्या गिरावट आई है, इजाफा हो रहा है? का भैया काम करने वाले कम हो गए हैं, तो इस वजह से कई चीज़ों में रेट ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर काम करने वाले कम हुए, रेट ज़्यादा है, तो कंजप्शन कम है, सेल कम है इसकी वजह से। तो ऐसे में ग्राहक भी यहाँ पर आ रहा है या फिर लिमिटेड कम है? लिमिटेड है भैया, ग्राहक काफ़ी कम है, क्योंकि कई जगह पर जो है ना साप्ताहिक बाज़ार लगते थे, वो नहीं लग रहे हैं। कितने ही काम धंधे जो है वो रुके पड़े हैं, तो जो लेबर होती थी, जो काम करने वाले होते थे, वो बाहर के और राज्यों से आते थे रोज़गार के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आते थे, वो नहीं है, तो कंजप्शन कम है। करेले की अगर बात करें, कितने रुपए किलो बिक रहा है यहाँ मंडी में, और साथ ही साथ भिंडी की भी बात करते हैं, कितने रुपए? करेला भैया होलसेल में जो मार्केट है भैया, वो 35 से 45 रुपए तक की है इसमें, और रिटेल के अंदर जो भी है वो 60 से लेकर के 80 तक का ये बेच रहे हैं। और भिंडी भैया अगर एक नंबर की क्वालिटी है भैया, तो उसका बाजार जो है वो 55 से लेकर के 65 तक का है। हमारा काम प्याज का है, और इस टाइम जो प्याज का डाउन हुआ है, 3 दिन से बिल्कुल डाउन हो गया, 4 दिन से प्याज। आज की डेट में प्याज बिक रहा है 25 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो। गुजरात लाइन ले लो, MP लाइन ले लो, मास्टर लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले लो, 25-30 रुपये। इजाफा जो हुआ था मास्टर की बारिश होने की वजह से फसल लेट हो गई 20-25 दिन, तो उसकी वजह से सिर्फ गुजरात बेल्ट में ही माल था जो पूरी ऑल इंडिया को माल दे रहा था। इस टाइम राजस्थान में प्याज आ गई है, गिरावट सब जगह होनी है, अब प्याज सब जगह से आ गई है और गिरावट होती जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में प्रशासन की बद इंतजामी सामने आई है। इलाके की न्यू संजय अमर कॉलोनी में रास्तों के किनारे बने सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, नालियां भी खुली पड़ी हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे वातावरण में कोरोना के साथ साथ डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैलने का डर है। सीवर और नालियों के खुले रहने से मच्छर पनपने लगते हैं और इन बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। मौजूदा हालातों में यहाँ साफ सफाई बेहद जरूरी है। इसी के साथ विश्वास नगर इलाके की अन्य गलियों में भी इतनी धूल मिट्टी है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर इतना गद्दड़ उड़ता है कि हद से ज्यादा है, कचरा है ये, खाली जो गड्ढा से मिट्टी निकाला है ये मिट्टी उठवा नहीं रहा, धूरी रेता, ना पानी का छिड़काव हो रहा है, बीमारी तो बढ़ने का ये आशंका हो रहा है। तो गड्ढे भी नहीं भरवा रहे हैं, यानी गड्ढे की देखिए सफाई नहीं हुई, हो ही थी नॉर्मल हुआ और फिर उसके बाद भर गया। तो नाली ऊपर से टूटेगा नहीं, पूरा ढक्कन ही रहता ही नहीं, जहाँ तहाँ ढक्कन है जहाँ तहाँ खाली है, धूल भी उड़ती है, फिर नालियों में मच्छर इतने हो रहे हैं, कीड़ा मकोड़े, कहीं इनमें तेल MCD वाले तेल तक नहीं डालते, इसमें बीमारियाँ फैलने का बहुत बीमारी फैल रही है। और इधर जो है धूल मिट्टी तो उड़ती है उसका प्रदूषण, दूसरा जो है इसमें नालियों में जो मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं, देखो साइड में सारी नालियाँ खुली पड़ी हैं, सारी बेकार, ढक्कन वक्कन भी आधे ढक्कन है ही नहीं, और ऐसा ही पड़ा बस। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।